अभी मैं बिहार का बरदान कोसी नदी का जो बैराज हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में बना है वहां पे हूं। और ये कोसी नदी बरदान कब बिहार का अभिशाप बन गया पता ही नहीं चला। भगवान ने एक प्यारा सा नदी बिहार के लिए बनाया था जो बिहार के कहानी को जो है बदल देता, लेकिन नेताओं की कहीं नहीं तो कहीं भ्रष्टाचार और लापरवाही ने बिहार के लिए इस कोसी नदी को अभिशाप के रूप में बना दिया। ये कोसी नदी जो अपने अंदर मिट्टी लेके आती है उससे जो है दोनों साइड उपजाऊ जमीन होता है, जिससे फसल जो है वो किसान आसानी से उगा पाते हैं और बारिश के दिनों में इसके पानी को कंट्रोल बिहार सरकार ने नहीं किया, इस वजह से ये अभिशाप बन गया और कोसी के दोनों क्षेत्र में लोगों को जबरदस्त समस्या होता है। अटल बिहारी वाजपेयी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नदियों से नदियों को जोड़ना, और वो ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए था कि एक बार बिहार में बाढ़ आया था और कोसी क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बिहार के गरीब लोग जो है पानी के नीचे डूबे हैं, तो उन्होंने कहा कि बिहार की नदियों को जोड़ा जाएगा। और बिहार में मुख्य रूप से बाढ़ जो है तीन नदियों के कारण आता है, एक गंडक, बागमती और कोसी। बाकी सब नदियों के कारण बाढ़ आता है, लेकिन कम बाढ़ आता है। अगर गंडक, बागमती और कोसी के पानी को दूसरे साइड में यानी दक्षिण बिहार में डाइवर्ट कर दिया जाए बरसात के दिनों में, तो शायद जो है बिहार का जो ये अभिशाप जनरल नॉलेज के किताब में कहा जाता है कोसी नदी को, वो बिहार का वरदान हो जाएगा। बस दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। हर साल कोसी जितना तबाही मचाता है, उस पैसे का अगर सही इस्तेमाल 5 साल तक कर दिया जाए तो शायद जो है कोसी के पानी को, बागमती के पानी को और गंडक के पानी को दूसरे साइड में डाइवर्ट कर सकते हैं, और जिधर सूखा पड़ता है गाया के साइड में उधर पानी चला जाएगा, उधर का भी किसान खुशहाल हो जाएगा और इधर का भी किसान खुशहाल हो जाएगा। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए 2000 साल पुराना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नदी के दोनों साइड बांध बनाने का प्रयास किया जाता है, वो भी बांध जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है और बाढ़ आने से पहले ही बांध टूट जाता है। सिर्फ बांध बनाकर बिहार में बाढ़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बिहार को नीदरलैंड से सीखने की जरूरत है। वहां पे रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट है और कैनाल सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। अगर यहां से पानी को डाइवर्ट करके उस एरिया में पहुंचा दिया गया जहां पे किसानों को धान की खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है, तो रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट, कैनाल सिस्टम को डेवलप किया जाए और सिर्फ बांध नहीं बनाया जाए, साथ में नदियों को नदियों से जोड़ा जाए, तब जाके बिहार में बाढ़ पे कंट्रोल किया जा सकता है। वरना बिहार में बांध बना के कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोसी, बागमती, गंडक नदी जो है और बाढ़ जो है बिहार का, वो आपदा में अवसर देके जाता है। हर एक नेताओं को चिड़ा मीठा बांटा जाता है, हेलीकॉप्टर से ऊपर से फेंका जाता है। जब 2000 फीट की ऊंचाई से ऊपर से हेलीकॉप्टर से चिड़ा मीठा फेंका जाएगा, तो वो चिड़ा मीठा किसके सर पे गिरेगा? नदी में गिरेगा, पानी में गिरेगा, कि खेत में गिरेगा, कि गाछ के ऊपर गिरेगा? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह काम हमेशा होता है। हालांकि बाढ़ के समय में एक नेताजी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, बगल में एक कैमरामैन रहता है और नेताजी ऐसे खिड़कियां से बाहर देखते हैं और कैमरामैन इस साइड से फोटो खींचता है। अगले दिन पेपर में आता है कि नेताजी बड़ी ईमानदारी से बाढ़ का सर्वेक्षण कर रहा है और बिहार में बाढ़ से लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है। उनके हेलीकॉप्टर के नीचे आदमी डूबता रहेगा, फिर भी नेताजी जो है बाढ़ से नहीं बचा सकते हैं। अगर ईमानदारी पूर्वक बिहार का नेता बाढ़ से बचाना शुरू कर दे बिहार के लोगों को, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे समृद्ध राज्य जो है वो बिहार बन जाएगा। लेकिन अभिशाप है कोसी, ऐसा जनरल नॉलेज के किताबों में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि बिहार का वरदान है ये कोसी। लेकिन उस वरदान को वरदान बनाने के लिए हम बिहार के लोगों को भी ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना होगा। हालांकि मैं अभी नेपाल में खड़ा हूं, ये बैराज जो है वो नेपाल में बना है और उसके उस साइड जो है इंडिया है, और यही बैराज कंट्रोल करता है बाढ़ के दिनों में पानी, और तब तक कंट्रोल करता है जब तक कोसी में पानी कम रहता है। जब ज्यादा रहता है तो पूरा फाटक खोल दिया जाता है, पूरा फाटक खोल दिया जाता है। 9 लाख क्यूसेक
फीट जो है पर सेकंड पानी से डिस्चार्ज होता है। समझते हैं क्या होता है बिहार के इंजीनियर, 9 लाख क्यूसेक फीट पर सेकंड पानी से डिस्चार्ज होता है और 1 लाख क्यूसेक फीट पे ये जो है ये डैम टूट जाता है, इसका बांध टूट जाता है, ये कोसी बैराज का 2008 में यही हुआ था। क्यों हुआ था ऐसा? 9 गुना ज्यादा कैपेसिटी और 9 गुना कम पानी के बावजूद भी जो है बांध टूट जाता है, कहीं नहीं तो कहीं भ्रष्टाचार रूपी दीमक लग जाता है इस बैराज में। 1954 में बनना शुरू हुआ, 1962 में बनकर तैयार हुआ, 1963 में पहली बार ये टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि अंग्रेज अगर बनाए रहते तो ये 2000 साल तक भी टिका रहता, आजाद भारत आजाद नेताओं ने बनाया था। उसके बाद से आजाद भारत के, आजाद बिहार के इंजीनियरों ने आजादी पूर्वक जो है इसका मेंटेनेंस किया, और मेंटेनेंस किया इसीलिए 2008 में फिर से टूट गया। जबकि हमारे पास सब कुछ है, गूगल है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, हाईटेक प्रधानमंत्री है, हाईटेक मुख्यमंत्री है, हाईटेक मोबाइल है हम लोगों के पास, पहले ही पता रहता है कि कब कितना बारिश होने वाला है, लगभग उतना ही बारिश होता है, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो पहले से प्रोटेक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? बाढ़ के पहले से बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता है? जब बाढ़ आता है तब जो है बाढ़ के पानी में जो है वो बोरा क्यों डाला जाता है, और सिर्फ बांध बना के बिहार को बाढ़ से नहीं बचा सकते हैं, समझना कीजिए। और ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, CWC का रिपोर्ट है, आप उठा के देख लीजिए, केंद्र सरकार का रिपोर्ट है, उठा के देख लीजिए। इसके लिए कहीं नहीं तो कहीं जो है बांध, डैम, इस प्रकार का पनबिजली केंद्र जो है, बैराज जो है, उसके अलावा जो है पानी को डाइवर्ट करने का तरीका जो है, नदियों से नदियों को जोड़ने का तरीका जो है, हमें आना चाहिए। और हाँ, जहाँ पे 100% हर साल बाढ़ आता है वहाँ पे शेल्टर होम बनाना होगा, वो शेल्टर होम बनाना होगा जो बाढ़ के दिनों में डूबे नहीं, यहाँ पे तो पानी में बना देता है शेल्टर होम, जैसे बाढ़ आता है आदमी बाद में डूबता है, और यहाँ का इंजीनियरवा का बनाया हुआ शेल्टर होम पहले डूब जाता है। ये है कहानी बिहार का। तो विनती है बिहार के नेताओं से, हाँ हालांकि केंद्र में किसी की भी सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की हो या नरेंद्र दामोदर दास मोदी की हो या किसी की भी पुरानी किसी की भी सरकार हो, सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जो है बिहार के लिए सोचे थे, उसके अलावा देश का किसी भी पार्टी का कोई भी नेता जो है ना जब केंद्र में रहा है वो बिहार के लिए नहीं सोचा है। क्यों? क्योंकि बिहार का मजदूर जो है जब बाढ़ में डूबेगा तब ना दूसरे राज्य में जाके सस्ते दरों पे मजदूरी करेगा। यह है कहानी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम बिहार में बाढ़ जो आता है उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100% आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन 75% कंट्रोल कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी इंजीनियर को बुला के पूछिए कि 75% बाढ़ पे लगाम लगाया जा सकता है कि नहीं बिहार में, और अगर 75% सिर्फ बाढ़ पे लगाम लगा लिया जाए बिहार में, तो ये कोसी जो इतिहास के किताबों में, जनरल नॉलेज के किताबों में बताया जाता है कि अभिशाप है, वही ये कोसी जो है ना बिहार के लिए वरदान साबित हो जाएगा।